नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन, जो इंडियन एयरफोर्स में जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फेज़ 2 में वो होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऐसे कि निकाल दिए जाते हैं, तो कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसके वजह से वो बच्चे को निकाल देते हैं और ज़्यादातर बच्चे वहीं पर जाके क्लियर नहीं कर पाते हैं अपना ग्रुप डिस्कशन। तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे क्या करना है और क्या क्या गलती नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक और बात बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूँ आपको कि जब आपका फ़िज़िकल हो जाता है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हो जाता है और जब आप क्लियर कर लेते हैं दोनों को, उसके बाद ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या फिर जिसको जीडी बोलते हैं ये होता है। तो जीडी होता है तो आपको जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद 20-25 मिनट का टाइम मिलेगा आपको अपना, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरा कपड़ा पहनना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेश होना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जीडी के लिए ले जाया जाता है। तो जीडी के लिए होता क्या है कि एक कमरा होता है, एक रूम होता है, और 10 से 15 बच्चों का ग्रुप होता है एक रूम में। 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, इतने ही बच्चों का ग्रुप होता है। और इसमें आपको ले जाकर एक बैठा दिया जाता है चारों तरफ, और आपके सामने 2 लोग बैठे होते हैं और वो आपको उनके सामने ही अपना जो ग्रुप डिस्कशन है, जीडी है, और जो भी करना है उनके सामने ही करना होता है। और वो उनका बस मोटिव ये होता है कि आपका जो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट रूम में उनको एंट्री किया गया, वो डायरेक्ट गए और जा कर के चुपचाप बैठ गए। तो बहुत से वहीं पे थोड़ा सा आप अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियर करना चाहते हैं, आप जीडी क्लियर करना चाहते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू क्लियर कर, अगर भीड़ से अलग दिखोगे तो समझ लो कि आप क्लियर कर पाओगे। भीड़ क्या होता है कि एक बच्चा कर दिया कि हाँ वो तो जाके बैठ गया, तो लोग सोचते हैं कि हाँ मैं भी जाके बैठ जाता हूँ और क्या। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग विश कर दिया, मॉर्निंग विश कर दिया, या फिर ऐसा कुछ कर दिया कि आप उसके ध्यान, कोशिश करो कि उसका ध्यान आपके ऊपर आ जाए, कोशिश करो कि वो आपके बारे में सोचने लगे, सोचने पे मजबूर कर दो उसको। ऐसा नहीं कि आ गए और आप भी बाकी बच्चों की तरह बैठे हैं चुपचाप और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बारी आएगी तो थोड़ा बहुत जो भी बोलूँगा। और उसके बाद मेन बात होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं लो करना है। वो आपके हाथ पैर देखते हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ये नहीं देखते हैं कि आप कितना क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि पूरा हर सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सब कुछ एकदम क्लियर सही ही हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और बिल्कुल भी अच्छे से बोल रहे हैं और कुछ भी आपका शरीर, कुछ भी कोई भी ऐसा कुछ हलचल नहीं है आपके शरीर में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसको आपको 5 मिनट का समय मिलता है, आपको उसको पढ़ना होता है, पढ़ करके और उसके बाद सभी बच्चों से उसको ले लिया जाता है। और उसके बाद आपके पास सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन उनके सामने देना पड़ता है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन 1 से 2 मिनट के बीच में होता है, और कुछ तो बच्चे होते हैं कि 40 सेकंड में निपटा देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से उसके सामने अगर अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को दें, अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं और इस सब बात के बारे में बताएं, तो वो वहाँ पे प्रभाव पड़ता है उसका। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें और किस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PDF है, और उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग अपना नाम डाल करके कि हाँ ऐसे मुझे बोलना है अगर ग्रुप डिस्कशन में। और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं अच्छे से, आपको अब बनाना आता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को, और उसके बाद अपना याद कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश बोलते हैं उनको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। और तो अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रभावी रूप से देते हैं, एकदम बढ़िया अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वहाँ पे असर होता है, वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ बच्चा सही है। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर मैनर्स हैं, ये अच्छे से बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करता है बच्चा, चाहे जो कुछ भी। और जब आपको पैसेज मिल जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लाइन बाय लाइन सबको अपना बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि होता है कि
ऐसा नहीं है कि पहले ही बोल दें, जब जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, ऐसे बोल सकते हैं आप। और ऐसा नहीं कि बेचैन होकर और जल्दी जल्दी में गलती कर दें आप, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और उसके बाद सिंपली आपको एकदम एकदम कॉन्फिडेंस रहना है और इतना सोच लेना है कि हाँ भाई क्या होगा, कुछ नहीं। अगर अगर आपको नहीं भी आएगा तो वो लोग ये थोड़ी ना भगा थोड़ी ना देंगे आपको, आराम से ही बोलेंगे कि ठीक है बेटा आपको नहीं हुआ। तो इसलिए वो लोग बहुत अच्छे हैं, एयरफोर्स में बिल्कुल अच्छा माहौल होता है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी आर्मी और आर्मी की तरफ लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है कि वो लोग थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी वाले, लेकिन उसमें थोड़ा सा होता है कि आपको डर लगता है, बहुत से बच्चों को आपने भी सुना होगा, लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ जब करना है क्लियर आपको, तो एकदम ये चीज़ तो निकाल देना होगा। और एक और चीज़ है कि आप अगर आप घर में रहते हैं, आईने के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश कीजिए कि सपोज मान लीजिए कि हाँ मैं वहीं पे बोल रहा हूँ, और उसके सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कोशिश करेंगे, और कोशिश करने से तो पता है सब कुछ क्लियर हो सकता है, तो इसलिए। और जीडी के लिए ज़रूरी नहीं, अगर आपको थोड़ा सा हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं, सब कुछ बोल देते हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। 10 से 15 सेकंड तक रुक गए तो फिर आपको बैठा देगा वो सीधा, तो इसलिए। और उसका ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा उसमें पैसेज में से आप ले लेना, उसके बाद थोड़ा सा अपने दिल से अपने अपने अंदर से कुछ बना करके और तब बोलना, जिससे कि मैंने बोला पहले ही कि भीड़ से अलग दिखोगे आप तो फिर आपके लिए बेस्ट है। और मिनिमम लगभग 10 से 15 जो भी बच्चे होते हैं उसमें से लगभग 7 से 8 बच्चों को ले लिया जाता है, मतलब 60-70% तक बच्चों को ले लिया जाता है। 5-6 बच्चे जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं उनको ही नहीं लिया जाता है। और एक और बात, वहाँ पे आप लोग जैसे कि होता है हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कि तू तू मैं मेरा बात सही है मेरा बात सही नहीं। अगर आप किसी की बात को काट रहे हैं तो उसका बिल्कुल ऐसा सोचिएगा कि हाँ तोड़ निकाले, उसका बिल्कुल सही जवाब दें। और एक और मेन बात मैं बोल रहा था जो कि मैं बोलना भूल गया आप लोग से, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें तो कभी आप ये मत बोलना कि मेरा ये एम था एयरफोर्स में जाना या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कभी मत बोलना आप। और अगर बोलोगे तो ये याद रखना कि 5-6 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना आप बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपको क्यों एम था, क्यों क्या देखकर एम हुआ था, और कब से एम है आपका, क्यों अगर आप एयरफोर्स में नहीं जा पाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने लगेगा तो फिर आपको फंस जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग इस बात को मत बोलिएगा कि मेरा एम था या फिर मैं बस एयरफोर्स में ही जाना चाहता था, ऐसा कुछ मत बोलना, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स हैं। और वहाँ पे नर्वस बिल्कुल नहीं रहना है आपको, थोड़ा सा भी नर्वस नहीं रहना है, बिल्कुल कूल रहना है। और कोशिश अभी से ही स्टार्ट कर दो, आप आईने के सामने बोलो, दोस्तों के सामने बोलो, और ऐसा कुछ करके देख सकते हैं आप। अपने फ़ोन पे वीडियो बनाओ खुद बोल करके, और उसके बाद देखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और तो दोस्तों मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर सकते हैं। तो बस इतना बताना था आप लोग को दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर कोई बात हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो, और मैं सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा बिल्कुल भी। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी मैं अपडेट डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो बस मैंने बोल ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, कर लेना सब्सक्राइब। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।